ये अच्छा मैनेजमेंट है। ये सब नहीं देना, सबसे अच्छी चीज है आपको बैठने के लिए एक सीटिंग के हिसाब से कार लेना, आपको एक रेड कारपेट दी गई है, नीट एंड क्लीन है। और ये फेस्टिवल में क्या है कि प्लेटफॉर्म पे देखिए सबसे बड़ी बात वो देखिए साहब क्या डिजिटल दे रखा है अपना, डिजिटल वो देखो। राइट 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 राइट, आपको एक सिस्टम की डिस्प्ले दे रखी है जिसपे आपको ट्रेन वगैरह की लोकेशन वगैरह रहेंगी। उसके अलावा सेफ्टी और पुलिस प्रशासन की तैनाती है जिससे किसी भी तरीके से कोई जेम कतरा या कोई बैग वगैरह या किसी तरह का सामान ना हो। और अच्छी चीज़ है कि लाइट की भी फैसिलिटी है। और मुझे लगता है कि आपको अनाउंसमेंट बॉक्स, हाँ राइट राइट राइट, मैं भी वही देखने को था कि यहाँ पे एक अनाउंसमेंट के लिए वो भी दिए हुए हैं। बाकी आप देखिए छठ पूजा के लिए इतना बड़ा स्क्रीन लगा है। हाँ आपको ये फेस्टिवल है, गाना बज रहा है। हाँ ये भी देखो ड्यूरिंग फेस्टिवल है तो जैसे जैसे हैं पर्व उनके लिए जैसी रेल प्रशासन से समय पर सुविधाएं भरती जा रही हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक स्टॉल है जो कि आपको यहीं के पास ही के पास में, कहीं आपको स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। सब चीज आपके खाना चाय भोजन से संबंधित जो भी है, बच्चे के इवन चाय आपकी, ये देखिए चाय कॉफी पानी की बोतल पैक्ड फूड है। इधर आपको करंट टिकट बनाना हो तो टिकट के लिए काउंटर भी, यहाँ पे हमारे बात। अरे वाह, जो चीज़ें होनी चाहिए उम्मीद से अच्छी हैं, है ना। रेल प्रशासन की तरफ से सभी यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। और मुझे पर्सनली मैं कहूँ मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और एक नीट एंड क्लीन, और देखिएगा गैदरिंग भी नहीं है, जैसे एक पब्लिक की गैदरिंग हो जाती है ड्यूरिंग फेस्टिवल में, वो देखेंगे आप एक दूसरा व्यक्ति हर एक डिस्टेंस पे एक दूसरे ग्रुप में बैठे हैं। दूसरी तरफ हमारी इंक्वायरी है डिजिटली आपकी दे रखी है ना, जो फैसिलिटी आपकी काउंटर्स वगैरह हैं हमारे वो हैं। आके आप अगर टिकट नहीं है तो यहाँ यहाँ आपके करंट आपके जो भी आप देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको जूम करता हुआ टिकट काउंटर रिजर्वेशन काउंटर है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा साथ में रिजर्वेशन काउंटर। एक और इसमें सुविधा यही इसी के साथ में अलग ज्यादा हो जाती है ना। यस यस, तुरंत दूसरी ट्रेन भी चला देते हैं। हाँ ये भी यहाँ पे रिजर्व ट्रेनें रखी गई हैं, जैसे ही अगर किसी ट्रेन में भीड़ ज्यादा हो रही है, पैसेंजर ज्यादा हो रहे हैं तो उसी के क्लोन ट्रेन चलाई गई है। कल भी की ट्रेन है और क्लोन ट्रेन मतलब चलाई जा रही है। हो सकता है मेरी वॉइस क्लियर ना हो लेकिन आपको दिखने से पता चल पाएगा कि सुविधाओं को किस तरीके से साफ सुथरी और समय के हिसाब से सुविधाएं दी गई हैं यात्रियों के लिए। देखिएगा तो आने के लिए रास्ते पे भी कोई इस तरह से भीड़ नहीं दिख पा रही कि लगे कि लोग परेशान हो रहे हों। जो मुझे पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं थैंक्स कहता हूँ अपनी इंडियन रेलवे के लिए, है ना, कि जिसमें मैं अपनी सेवानित दिए जा रहा हूँ। लेकिन इस तरीके की सुविधाएँ बाकी में समय के साथ में बहुत अच्छी होती रही हैं। इवन मेरा मन नहीं कर रहा रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने का, लेकिन यही है कि जो चीज़ें आपको खुद देखेंगे फील करेंगे तो और अच्छा लगेगा, जिस तरीके से मुझे लग रही है, है ना। लाइटिंग देखिए आप, पीछे कितना स्पेस अभी भी है जो कि अपनी पैसेंजर्स के बैठने के लिए दिया है। इवन आप वीडियो में आप देख पा रहे होंगे सफाई के लिए भी तुरंत ही एक स्टाफ है जो कि सफाई को भी लगातार किए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी किसी भी तरीके से कोई आपने ड्रेस किया खाने कोई सामान बिस्कुट विस्कुट रख दिया कुछ छोड़ दिया तो वो आपके उसी जगह से जिससे कि आप उठ के जाएं तो दूसरा व्यक्ति उस जगह को यूटिलाइज कर रहे हैं। इवन दूसरा क्या आप तुरंत को तुरंत ही क्लीन है, किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि ये इससे अच्छी सुविधा इस समय में दे पाना बहुत अच्छी है। सीरियसली बात करना चाहूँगा मैं, बहुत अच्छी सुविधा, थैंक्स टू इंडियन रेलवे। और उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सुविधा अच्छी लगेगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको इस तरीके से क्या लगा। और समय के हिसाब से जैसा भी आपको परिवर्तन दिख रहा है उसको देखते हुए क्या लगता है कि गाड़ियों की स्पीड पंक्चुअलिटी ये सब चीज़ें समय के हिसाब से बहुत इंप्रूव हो गई हैं, जो कि गाड़ियाँ कभी किसी समय बहुत पहले लेट हो जाया करती थी, आज गाड़ियाँ प्रॉपर राइट टाइम बिफोर टाइम रहती हैं। इतनी दो दो ढाई ढाई तीन तीन हज़ार किलोमीटर ट्रेन चलती है और प्रॉपर टाइम पर पहुँचती हैं, ये एक बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस है। चले वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि ज़्यादा देर रिकॉर्ड करना कोई ऐसा नहीं है ना, लेकिन ये है चीज़ें बहुत सी हैं दिखाने लायक, है ना।